Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि राइटर और उसके भाई क्लाउड, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उन दोनों के अलावा ये जो बिग हाफ मून एक आइलैंड था, उनके अलावा यहाँ पर और कोई भी बच्चा नहीं था उनके साथ खेलने के लिए. वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड. और ये लोग तो क्योंकि आइलैंड में अपने पापा के साथ अकेले रहते थे और कोई भी बच्चा इनके साथ नहीं था, तो ये लोग जब भी खेलते थे या पढ़ाई करते थे दोनों हमेशा साथ में ही करते थे. और किसी बच्चे के नहीं रहने के कारण इन लोगों को जब भी मौका मिलता था हमेशा दोनों एक दूसरे की मदद करते थे. जो भी करते थे दोनों एक साथ करते थे और हमेशा वहाँ पर वो लोग खुशी खुशी रहते थे. वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड. यहाँ पर वी का मतलब होता है हम लोग. और हम लोग से यहाँ पर राइटर अपने बारे में, अपने भाई क्लाउड और अपने पापा के बारे में कह रही हैं कि वो लोग जो थे, बिग हाफ मून एक आइलैंड का नाम था, एक द्वीप का नाम था, वहीं पे ये लोग रहते थे. वी आर फादर क्लाउड एंड आई एंड आंट इधर एंड मिनी एंड डिक. अब यहाँ पर देखिए वी लिखा हुआ है, वी का मतलब फिर से हम लोग होता है. तो अब राइटर बताना चाह रहे हैं कि हम लोग के अंदर फिर से अब कौन कौन आता है. तो राइटर के पापा, राइटर का भाई क्लाउड, राइटर, राइटर की आंटी इधर, राइटर की जो कज़न सिस्टर थी मिनी, और राइटर का कज़न सिस्टर डिक. मतलब ये लोग जो पूरे फैमिली में ये लोग थे, जो कि ये लोग को मिला करके एक फैमिली बनता था. ठीक है. इट यूज़ टू बी ओनली फादर क्लॉड एंड आई. क्योंकि ये लोग फैमिली में इतने मेम्बर्स थे, लेकिन फिर भी हमेशा ये लोग जो आइलैंड पे, ये राइटर, राइटर के पापा और क्लॉड ही रहा करते थे. उनकी आंटी, उनका जो कज़न ब्रदर एंड सिस्टर था, वो लोग इनके साथ नहीं रहते थे. इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस. मतलब अब राइटर जो है इस कहानी में कुछ तो ऐसा होगा जो कि इसका कहानी का नाम पड़ा अवर रन अवे काइट. तो राइटर जो है यहाँ पर बताना चाह रही है कि हम लोग का जो ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, मतलब राइटर के द्वारा लिखी गई है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है पतंग के बारे में बातें की गई है और पतंग जो है इसका एक प्रमुख हिस्सा रह चुका है. दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट. मतलब अब यहाँ पर राइटर हम लोग को बोलना चाह रही है कि यही जो पतंग की कहानी है, पतंग और हमारे बीच की कहानी है, यही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ लिखने के माध्यम से. दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं जितना दूर तक अभी पढ़ाई हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो चलिए जितनी भी हार्ड मीनिंग्स है उसकी हिंदी मीनिंग मैं आपको बता लूँ. वीडियो को पॉज कर करके आप लोग जो है अपने टेक्स्ट बुक में इस सभी मीनिंग्स को लिख लीजिए कि बाद में आप लोगों को पढ़ने में कोई असुविधा ना हो. तो सबसे पहला लाइन में आता है ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स का मतलब लिख लीजिए निसंदेह. फिर उसके बाद है नोबडी. नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं. फिर उसके बाद एक देखिए पूरा एक सेंटेंस है टू मेक द मोस्ट ऑफ. तो इसका मतलब क्या होता है, मौके का सदुपयोग करना. ठीक है. ईच अदर का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, परस्पर, मतलब एक दूसरे के साथ. और आइलैंड, आइलैंड का मतलब आप लोगों को पता होगा, द्वीप. ठीक है. फिर उसके बाद देखिए यूज़ टू बी. यूज़ टू बी का मतलब होता है आदत थी. देखिए कुछ कुछ जगह पे जो है सेंटेंस वगैरह भी है जिसकी एक मीनिंग हो रही है, दो मीनिंग हिंदी मीनिंग्स रह रही है, तो आप लोग पूरा उस सेंटेंस को अंडरलाइन करके पूरी मीनिंग्स को लिखिएगा. फिर है ऑन अकाउंट ऑफ. ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब क्या होता है, कारण. ठीक है. फिर उसके बाद है अबाउट. अबाउट का मतलब होता है बारे में. तो चलिए दोस्तों अब दूसरे लाइन में चलते हैं. फादर इज द कीपर ऑफ द बिग हाफ
मून लाइट हाउस. मतलब अब यहाँ पर राइटर कह रही हैं कि राइटर के जो पापा है वो बिग हाफ मून आइलैंड जो था वहाँ पे एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस का मतलब क्या होता है, जो आप लोग देखते होंगे कार्टून्स वगैरह में कि समुद्र के बीच में एक लंबी सी पोल जैसी लगी रहती है, उससे चारों तरफ लाइट दिखाई जाती है जिसके कारण जो शिप चलाते हैं वो लोगों को अपनी रास्ता तय करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. तो उसी की देखभाल कौन करते थे, राइटर के पापा. आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, क्लाउड इज 12. सॉरी, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड एंड क्लाउड इज 12. मतलब अब यहाँ पर राइटर अपनी और अपने भाई के एज के बारे में बता रही है कि राइटर जो थी वो 11 ईयर्स मतलब 11 वर्ष की थी और उसका भाई जो क्लाउड था वो 12 वर्ष का था. इन विंटर व्हेन द हार्बर इज फ्रोजन ओवर वी ऑल मूव ओवर टू द मेन लैंड. मतलब जब भी ठंडे के समय में जब हमारा बंदरगाह, ऐसे नॉर्मली देखोगे तो आप अधिकतर ठंडे जगहों वाला जो बंदरगाह रहता है वो ठंडे के मौसम में जम ही जाता है. तो जो जहाँ पे ये मिमी लोग रहती थी, राइटर लोग रहती थी, तो वहाँ के बंदरगाह में ठंडे के समय में वहाँ का बंदरगाह पूरा बर्फ़ से जम जाता था. तो बर्फ़ से जमने के कारण राइटर, उसके पापा और उसका जो भाई था वे लोग हमेशा मेन लैंड में चले जाते थे. और फिर उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता था वो लोग फिर से जल यात्रा करके वापस अपने प्यारे से लाइट हाउस में आ जाते थे. तो चलिए दोस्तों, अगर ये भी आपको पैराग्राफ ठीक से समझ में आ गया हो तो इसके हिंदी मीनिंग्स को हम लोग जल्दी से अपने बुक में नोट कर लेते हैं. तो सबसे पहले लिख लीजिए कीपर. कीपर का मतलब होता है देखभाल करने वाला. फिर उसके बाद आता है लाइट हाउस. मैंने आप लोगों को समझाया था तो उसकी हिंदी मीनिंग लिख लीजिए जिसके कारण आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए. समुद्र में नाविकों को दिशा निर्देश के लिए बना बिजली घर. फिर से बोल दे रही हूँ, समुद्र में नाविकों को दिशा निर्देश के लिए बना बिजली घर. फिर उसके बाद आ जाइए हार्बर. हार्बर का मतलब क्या होता है, बंदरगाह. फिर उसके बाद है फ्रोजन. फ्रोजन का मतलब होता है बर्फ जमा हुआ, जो बर्फ जम जाता था. फिर उसके बाद आ जाइए मूव ओवर. मूव ओवर का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना. क्योंकि जो राइटर और उसके फैमिली रहती थी वो लोग हमेशा अपने जो बिग हाफ मून लाइट हाउस में रहते थे वो लोग मेन लैंड में मूव कर जाते थे. तो इसका मतलब हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाना. फिर उसके बाद आ जाइए मेन लैंड. मेन लैंड का मतलब होता है मुख्य भूभाग. मतलब कि आप लोग देखते होंगे कि समुद्र के बीच में आइलैंड्स बना रहता है, तो उन्हीं सब आइलैंड में जो थे इनके परिवार रहते थे, राइटर के परिवार. और फिर समुद्र के सामने तो देखते ही होंगे आप लोग बीच भी रहती है, तो वो लोग ठंडे के मौसम में बीच के पास आ जाते थे. ठीक है. और फिर उसके बाद विंटर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, ठंड की मौसम. और स्प्रिंग का मतलब वसंत ऋतु, ये भी तो जानते हो आप लोग. सेल, SAIL, सेल का मतलब क्या होता है, जल यात्रा. और डियर का मतलब प्रिय. चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी लाइन में. द फनी पार्ट यूज टू बी दैट पीपल ऑलवेज पिटीड अस व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न. और राइटर लोगों के लिए, क्योंकि राइटर लोग बच्चे थे उस वक्त, तो उन लोगों के लिए सबसे हंसी वाला टाइम वही रहता था, हंसी वाला पार्ट वो रहता था जब कि वे लोग स्प्रिंग सीजन में अपने लाइट हाउस में जाते थे वापस. तो वहाँ मेन लैंड के जितने भी पीपल लोग रहते थे, जितने भी इंसान लोग रहते थे, सभी उन दोनों बच्चों पर दया करते थे कि बेचारे लोग आए थे, कितने अच्छे, ये लोग खुश थे, खेल रहे थे, मेरे भी बच्चे लोग खुश हो गए थे, पर ये दोनों बच्चे अब जा रहे हैं, इनके जाने का समय हो गया है. दे सेड वी मस्ट बी सो लोनसम ओवर देयर विथ नो अदर चिल्ड्रन नियर अस. और ये लोग को हमेशा ऐसा लगता था. और फिर जाकर के सभी लोग वहाँ पे, जितने भी लोग रहते थे, वो लोग बोलते थे कि जब तुम लोग दोनों चले जाओगे, मतलब राइटर और जाके क्लाउड, तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों को बहुत अकेलापन महसूस होगा और हम लोग के बच्चे खेलेंगे लेकिन उन्हें लगेगा कि हमारे बच्चों के साथ और कोई बच्चा है ही नहीं खेलने के लिए, लगेगा कि कोई नहीं, कोई बच्चा ही नहीं है यहाँ पर खेलने के लिए. क्योंकि हो सकता है वे लोग शरारती होंगे, वहाँ जाते होंगे तो बहुत मस्ती करते होंगे जिसके कारण वहाँ के इंसान लोगों का मन भी बहलता रहता होगा, इसलिए वो लोग उन पर दया भी करते थे और ऐसे ऐसे बातें बोलते थे. ऑफकोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विथ अस.
और नी संडे की बात है कि क्लॉड और मुझे भी बहुत मन करता था कि हमारे साथ और भी बच्चे रहें जिनके साथ हम लोग और अच्छे से खेल पाएं, लेकिन उनके साथ में कोई नहीं रहता था क्योंकि उस जो बिग हाफ मून आइलैंड के जो लाइट हाउस में वो लोग रहते थे वहाँ पे सिर्फ यही दोनों रहा करते थे। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट केव्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली टू। अब यहाँ पर देखिए पायरेट केव्स जो बोला जा रहा है वो एक प्रकार का खेल है जो कि बच्चों द्वारा खेला जाता है। तो यहाँ पर राइटर और उसके भाई कह रहे हैं कि पायरेट केव्स जो ये गेम था वो हम लोग दो जन में ही केवल खेलना जो था बहुत ही मुश्किल वाला काम था क्योंकि दो जन से ज़्यादा बच्चे इनमें चाहिए रहते थे ये गेम खेलने के लिए। और इस तरह के और भी गेम में हम लोगों को दूसरे बच्चे की याद आती थी क्योंकि हम लोग यहाँ पर केवल दो ही जन रहते थे। तो ठीक है चलिए दोस्तों इसकी हार्ड मीनिंग्स को हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला मीनिंग है फनी। फनी का मतलब होता है मज़ेदार। पार्ट PART पार्ट का मतलब होता है अंश। पीपल पीपल का मतलब होता है लोग इंसान जो भी बोलो। फिर एक है पिटीड PITIED पिटीड का मतलब होता है दया करना। फिर उसके बाद है जी रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौटना। फिर उसके बाद है लोनसम LONESOME लोनसम का मतलब होता है अकेला। फिर उसके बाद है वुड हैव लाइक्ड इसका मतलब है पसंद करना। और फिर लास्ट वर्ड है पायरेट केव्स। पायरेट केव्स का मतलब होता है चल गुफाएं। मैं कही थी ना कि एक प्रकार का खेल है तो चल गुफाएं ने हिंदी में कहा जाता है। शायद अगर आप लोग खेले होंगे तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि हम लोगों ने ऐसा गेम नहीं खेला है। तो चल गुफाएं जो है इसकी हिंदी मीनिंग है और ये भी एक प्रकार की गेम है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो पैराग्राफ हमने समझाया है आपको पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। बट वी यूज टू क्वारल अ गुड डील विद द मेन लैंड चिल्ड्रेन इन विंटर। क्योंकि राइटर और उसके भाई जो है विंटर के समय में मेन लैंड में चले जाते थे मुख्य भूभाग में। तो वहाँ पे जो है वहाँ के मेन लैंड के बच्चों के साथ जो है क्लॉड और जाकर के राइटर जो है बहुत ज़्यादा ही झगड़ा कर लेते थे। सो इट वॉज परहैप्स जस्ट एज वेल एज देयर वेर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। पर शायद हम लोग जो यहाँ पर मेन लैंड में झगड़ा कर लेते हैं और बच्चों के साथ हम लोग के जो बिग हाफ मून में हम और मेरे भाई रहते थे शायद यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं था। हम लोग का किसी के साथ झगड़ा हो ही नहीं पाता था। क्लॉड एंड आई नेवर क्वारल्ड। और राइटर कह रही है कि राइटर और जाकर उनका भाई कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। टू बी श्योर पापा सॉरी फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस। और ये तो बात एकदम पक्की थी कि पापा को देखने से ऐसा लगता था कि पापा का हम लोगों के अलावा और किसी भी दूसरे इंसान से कोई रिलेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसकी हार्ड मीनिंग्स को हम लोग को लिखना है। तो चलिए वीडियो को पॉज कर करके अपने टेक्स्ट बुक में सारे हिंदी मीनिंग्स को आप अच्छी तरह से लिख लें। सबसे पहला वर्ड है क्वारल। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। उसके बाद है गुड डील। गुड डील का मतलब अच्छी मात्रा में क्योंकि वो लोग ज़्यादा हमेशा झगड़ा करते तो बहुत ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे अच्छी मात्रा लिख लीजिए। फिर उसके बाद आता है परहैप्स। परहैप्स का मतलब लिख लीजिए शायद, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब होता है संबंध। एक्सेप्ट मतलब हम लोगों के अलावा। और एक वर्ड लिख लीजिए गाइस सीम SEEM। सीम का मतलब होता है लगना। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। दिस यूज टू पजल क्लाउड एंड मी। मतलब यहाँ पर कुछ जरूर एक ऐसी बात थी जो कि क्लाउड और राइडर को हमेशा कंफ्यूज करके रख देती थी। एवरीबडी ऑन द मेन आइलैंड हैड रिलेशंस। मतलब कि मेन आइलैंड में जितने भी बच्चे रहते थे वो लोग के बहुत सारे संबंधी लोग रहते थे जैसे उसके चाचा चाची नाना नानी मौसा मौसी जो भी कहा जाए। वाई हैड नॉट वी हम लोगों के कोई रिश्तेदार क्यों नहीं है। वॉज इट वॉज बिकॉज वी लिव ऑन एन आइलैंड क्यों ऐसा था क्योंकि हम लोग आइलैंड में रहते थे क्या इसलिए हम लोग के कोई रिलेशनशिप में नहीं थे। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजन्स। और हम लोगों को हमेशा लगते रहता था, हम लोग हमेशा सोचते रहते थे
काश कि हम लोगों के भी आंटी अंकल होते, हम लोगों के भी कजिन ब्रदर सिस्टर रहते तो कितना मजा आता ना, हम लोग भी हंसी खुशी रहते। ये सब बात राइटर सोच रही है जो कि इन्होंने ये लिख दिया। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट बट ही लुक्ड सो सॉरफुल डैट वी विस्ड वी हैड नॉट। एक बार क्या हुआ था, राइटर और उसके भाई ने अपने पापा से जाकर पूछा कि पापा क्या हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है जैसे हमारे अंकल आंटी और हमारे कजन्स। तो बस उनके पापा जो थे बहुत ही दुखी हो गए, बहुत उदास हो गए, आखिर रोने के सिचुएशन में आ गए। तो बस उस तरह के मौके को देख करके राइटर और उसके भाई ने सोचा कि शायद हम लोगों के जो है रिश्तेदार नहीं होंगे इसलिए पापा शायद उदास हो गए। ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट। तो बस उन्होंने सौरव में मतलब अपने से मतलब दुखी होकर उन्होंने कहा कि सारी गलती जो है उन्हीं की है। क्लॉड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही मीन्ड। और क्लॉड और राइटर को ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर उसके पापा कहना क्या चाहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसकी हार्ड मीनिंग्स हम लोग अपने नोटबुक्स में लिख लेते हैं। सबसे पहला मीनिंग है देखिए पजल। पजल का मतलब होता है पहेली। फिर उसके बाद आ जाइए थॉट। थॉट का मतलब होता है सोचना। फिर उसके बाद आ जाइए जॉली, JOLLY। जॉली का मतलब होता है हंसी खुशी। फिर उसके बाद है अंट। अंट का मतलब तो चाची होता है, आप लोगों को पता होगा। फिर आता है फादर। और नहीं, फादर का मतलब तो पापा, आप लोगों को पता है ये बात। कजन्स, कजन्स का मतलब होता है चचेरे, चचेरे भाई बहन आप लोग बोल सकते हो। फिर उसके बाद आता है सॉरोफुल। सॉरोफुल का मतलब होता है दुखदायक। फिर उसके बाद आता है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। फिर उसके बाद आता है ONCE, वंस। वंस का मतलब आता है एक बार। फिर उसके बाद आता है मीट। मीट का मतलब होता है समझाना। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आती रहेंगी। अगर दोस्तों हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और अगर आपके दोस्तों को भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़े तो इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिसके कारण वो भी इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ पाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके जितने भी डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट ज़रूर करें, उसकी जो रिप्लाई है हम लोग आपको ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।